अगर आपने भी पोकर MP40 निकाली है तो अपनी पोकर MP40 को बचाने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो हेलो मित्रों, कैसे हो? मस्त ना? मुझे पता है सारे बंदे मस्त होंगे, लेकिन जिस भी बंदे ने पोकर MP40 निकाली है वो मस्त नहीं होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे कल से है, जब भी मतलब कि ग्लीच सामने आए तो भाई यहाँ पे बंदे मतलब कि रात में भी जग जग के भाई यहाँ पे देख रहे कि भाई यहाँ पे कतई मेरी ओपी वाली MP40 निकल तो नहीं गई ना भाई, मतलब कि यार बंदे बहुत ही टेंशन में आ चुके हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आप लोग का भाई यहाँ पे मतलब कि आप लोग का जो सारा टेंशन है वो मिटाने वाला है, आप लोग का मैं यहाँ पे सारा मतलब कि कॉन्सेप्ट है आप लोग के मन में वो क्लियर करने वाला हूँ, आप लोग को वो भी बता दूंगा कि आप लोग की MP40 जाएगी कि नहीं जाएगी, आप लोग की MP40 इसमें रहेगी कि नहीं रहेगी, और डायमंड जो मतलब कि बड़ी चीज़ है वो अपने डायमंड बंदों ने काफ़ी ज़्यादा उड़ाए, तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा टेंशन ये है कि यहाँ पे हमारा डायमंड तो नहीं चला जाएगा ना, मतलब कि यहाँ पे हमने जो MP40 गई तो भाई यहाँ पे मतलब कि जाए तो तेल लेने जाए बट हमारे डायमंड नहीं जाने चाहिए, तो भाई यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोग को बताऊंगा। लेकिन भाई यहाँ पे उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं, तो भाई यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग का कोई भी और भी सवाल है MP40 के रिलेटेड तो भाई यहाँ पे कॉमेंट कर दो, आप लोग का भाई बैठा है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे मतलब कि हुआ है क्या, मतलब कि कल से हमारे घर ना फ्री फायर में बड़ा वाला मतलब कि ग्लिच आ चुका है, आप लोगों को मतलब कि ज्यादा बताने का कुछ भी जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोगों को सारी चीजें ऑलरेडी पता है, मतलब कि आपको सब पता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे ये ग्लिच जो ग्लीच है ना भाई मतलब कि कतई गंदा वाला ग्लीच है, और ये इसमें पूरी की पूरी गरीना की गलती है। ठीक है, जिसमें भाई मतलब कि पोकर MP40 वो भी येल्लो वाली एक ब्लूप्रिंट और 3 इवोल्यूशन स्टोन में दे दी, मतलब कि भाई यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या यार, इतनी बड़ी वाली मतलब कि इतनी ओपी वाली कोबरा MP40 जैसी चलने वाली पोकर MP40 इतने सस्ते में इन लोगों ने दे दी। वापस में भाई यहाँ पे उन्होंने किया क्या भाई, यहाँ पे इसका प्राइस है वो चेंज कर दिया, और भाई यहाँ पे 3 ब्लूप्रिंट और भाई यहाँ पे 7 इवोल्यूशन स्टोन इसका प्राइस कर दिया। तो भाई यहाँ पे सारे बंदों के मन में एक ही सवाल है कि क्या हमारी आईडी में वापस यहाँ पे ये पोकर MP40 चली जाएगी और रेड वाली आ जाएगी क्या? सो गाइस यहाँ पे आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन तो पहले मिटा दो, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप लोग की MP40 जाएगी तो डायमंड वापस आएंगे, और डायमंड जाएगी तो भाई यहाँ पे आप लोग के आईडी में MP40 ही रहेगी। ठीक है, और भाई यहाँ पे आप लोग की अगर MP40 चले भी गई ना तो भाई यहाँ पे आप लोग के पास यहाँ पे रेड MP40 कुछ भी नहीं आने वाली है। ठीक है, आप लोग की MP40 है वो रेड नहीं होने वाली है, आप लोगों ने जितने भी डायमंड इसमें यूज किए होंगे वो सारे डायमंड गई यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे, यानी कि भाई लोग यहाँ पे आप लोग के जो सारे डायमंड है वो आप लोग कैसे दे जाएंगे गरना फ्री फायर की तरफ से, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप लोग के जो यहाँ पे सारे डायमंड्स वेस्ट हुए अपने येलो पोकर MP40 में, वो सारे डायमंड्स है अगर रिफंड हुए तो आप लोग को दिए जाएंगे यहाँ पे मेल बॉक्स में, और भाई यहाँ पे आप लोग को ये मेल है वो 3 दिन के अंदर रिसीव होगा, सारे बंदों को ये गरेना फ्री फायर को पहुंचाना होगा तो भाई यहाँ पे थोड़ी देर तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे वो लोग भी इंसान है, रोबोट तो है नहीं। ठीक है, और भाई यहाँ पे वो लोग इंसान है, इसी वजह से उन लोगों से गलती हो चुकी है, और भाई यहाँ पे गलती से इन्होंने ये चीज कर दी थी, मतलब कि हुआ था क्या, यहाँ पे जो हमारी रेड वाली पोकर MP40 थी उसको यहाँ पे येलो की जगह रख दिया और येलो को यहाँ पे रेड की जगह रख दिया। ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पे दोनों का प्राइस है वो पूरा मतलब कि एकदम चेंज ही हो गया था। सो गाइस यहाँ पे सारे बंदों ने इसी बात का फायदा उठा के यहाँ पे पोकर MP40 है वो सारे बंदों ने उठा लिया। ठीक है, गाइस यहाँ पे मुझे पता है जो भी यहाँ पे पोकर MP40 लेके बैठा है वो सारे बंदे मतलब कि बहुत ही खुश है भाई, मतलब कि वो लोग पूछ रहे मन ही मन में कि भाई यहाँ पे कई पोकर MP40 तो नहीं चली जाएगी ना, तो भाई यहाँ पे आप लोग की अगर पोकर MP40 जाएगी तो गरेना फ्री फायर सबसे पहले ट्वीट करेगा, बाद में गाइस यहाँ पे न्यूज सेक्शन में आप लोग के लिए एक यहाँ पे नोटिस भेजेगा। ठीक है, बाद में ही गरेना फ्री फायर एक्शन ले सकता है, उससे पहले यहाँ पे गरेना फ्री फायर कुछ नहीं कर सकता, और भाई लोग यहाँ पे इसमें जो लॉस हुआ है वो गरेना का हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, तो भाई यहाँ पे ये गरेना की गलती है तो भाई यहाँ पे वही भुगतेगा। ठीक है, आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं होगा, और गाइस यहाँ पे होगा तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग के डायमंड रिफंड किए जाएंगे, और भाई यहाँ पे मेरी मानो तो मैं आप लोग को एक बात सच बताऊ, गरेना फ्री फायर ये चीज कर ही नहीं सकता, आप लोग के आईडी में से MP40 वापस ले ही नहीं सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे ये सारी प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और भाई लोग यहाँ पे आप लोग को पता ना हो तो मैं आप लोग को बता दूं, हमारे गरेना फ्री फायर में कटाना का इवेंट आया था, गाइस यहाँ मुझे पता है बहुत सारे बंदों को ये पता ही होगा, लेकिन भाई सुन लो जरा एक मिनट। ठीक है, गाइस यहाँ पे जो कटाना का इवेंट था इसमें यहाँ पे सारे बंदे जो भी हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो सारे बंदों को ये घटना फ्री में मिल गई थी, लेकिन भाई यहाँ पे जो भी बंदे इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके यहाँ पे इसमें स्पिन मार रहे थे उनको ये कटाना है वो 300 से 500 डायमंड में मिल रही थी, मतलब कि भाई यहाँ पे देख रहे हो जो यहाँ पे मतलब कि इवेंट की मेन चीज थी वही हमें फ्री में मिल गई थी और सामने वाले बंदों को डायमंड में मिली थी। तो भाई यहाँ पे गरेना फ्री फायर ने कहा था कि भाई यहाँ पे ये गलती से ग्लिच हो चुका है तो हमें आप लोग के आईडी में से कटाना है वो वापस लेना पड़ेगा,
लेकिन भाई यहाँ पे घराना फ्री फायर ने आज तक ये कटाना वापस नहीं लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे आप लोग के भाई ने भी यहाँ पे फ्री में ये कटाना निकाली थी, और भाई अभी भी मेरी 12 आईडी में कटाना अभी वही की वही पड़ी है, वैसी की वैसी पड़ी है, और अभी भी मैं उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो गई जहाँ पे घराना फ्री फायर रिफंड रिफंड तो कुछ नहीं कर सकता, तो गई जहाँ पे आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मस्त पोकर MP40 से हेडशॉट मारो और आराम की नींद सो जाओ, ठीक है। सो गई जहाँ पे आई होप कि आप लोग के दिमाग से साला जो मतलब कि वो पड़ा था ना वो सब निकल गया होगा। सो गई जहाँ पे उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सो गई अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। सो बस आज के लिए बस इतना ही, मिल जाएगा नए वीडियो में, तब तक ले जाता है, बाय।